हेलो एवरीवन जनरल स्टडी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर के रूप में आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जिन प्यारे साथियों ने वाईफाई एग्ज़ाम आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद तो आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था एक नवंबर उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी को नेक्स्ट समताप मंडल में ऋतु परिवर्तन न होने के कारण हवाई उड़ानों के लिए उत्तम है क्वेश्चन बनेगा कि किस मंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ने की उत्तम दशाएं पाई जाती हैं तो समताप मंडल इज़ द राइट आंसर रेडियो की जो विद्युत संचालित तरंगे हैं उनको पृथ्वी पर आयन मंडल परावर्तित करता है तो रेडियो की जो तरंगे हैं वो किस मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं तो उसका आंसर है आयन मंडल ठीक है नेक्स्ट प्रधान मध्यान रेखा के प्रमुख मध्यान्ह रेखा के समय को ग्रीनविच समय कहते हैं यह लंदन के समीप ग्रीनविच की वेधशाला पर होकर निकलती है इसे जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है तो जीरो डिग्री देशांतर रेखा ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है इसी को हम प्रधान मध्यान्हन रेखा भी कहते हैं ठीक है बीचों बीच से निकलती है जीरो डिग्री से जीरो डिग्री देशांतर से इसको प्रमुख मध्यान रेखा या प्रधान मध्यान रेखा के नाम से भी जाना जाता है और जीरो डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है यह लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है नेक्स्ट एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है नेक्स्ट भारत में साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय मान लिया गया है क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का मानक समय कौन सा है तो साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पूर्वी पश्चिमी दोनों होंगे आपको याद रखना है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत का मानक समय माना गया है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई 1970 सौ ईस्वी में हुई इसका शुभारंभ किसने किया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसका शुभारंभ किया नेक्स्ट भारत में कपास कौन सी फसल है भारत में कपास खरीफ की फसल है कौन सी फसल है भारत में कपास खरीफ की फसल है नेक्स्ट सिस्मोलॉजी क्या है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट थोरियम मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है ये जो थोरियम धातु है ये मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है यानी कि थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनाजाइट और मोनाजाइट केरल की बालू में पाया जाता है यानी कि भारत में मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ पर केरल में और मोनाजाइट से थोरियम की प्राप्ति होती है यानी कि भारत में थोरियम के भंडार हैं यहां पर यूरेनियम की भी चर्चा कर ली जाए यूरेनियम के मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड और यूरेनाइट है ठीक है असम के तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं डिगबोई नहरकटिया सुरमा घाटी ये तीन क्षेत्र डिगबोई नहरकटिया सुरमा घाटी ये असम के तेल क्षेत्र हैं नेक्स्ट कोयला कितने प्रकार का होता है कोयला मुख्यतः चार प्रकार का होता है एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिगनाइट या भूरा कोयला और पीट कोयला ठीक है एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है फिर उससे कम कार्बन बिटुमिनस कोयले में पाया जाता है फिर उससे कम कार्बन लिगनाइट में उससे कम पीट कोयले में ठीक है इसके बाद लोएस मिट्टी लोएस मिट्टी कहाँ पाई जाती है यानी कि लोएस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये हवा के द्वारा धूल को उड़ाकर ले जाए ले जाने पर <स्थाथा> हवा धूल को उड़ाती है और उससे एक मैदान का निर्माण करती है जिसे लोएस के मैदान कहा जाता है ये उत्तर पश्चिमी चीन में है ठीक है यानी कि लोएस क्या है हवा निर्मित मैदान धूल जब हवा जब हवा धूल को उड़ा करके मैदान का निर्माण करती है तो उसे लोएस के मैदान कहते हैं ये उत्तर पश्चिमी चीन में है चीन में इस तरह के उदाहरण देखे जाते हैं जलोड़ मिट्टी जलोड़ मिट्टी के प्रकार हैं ये तराई बांगर और खादर बांगर पुरानी जलोड़ मिट्टी को कहते हैं और खादर नवीन जलोड़ मिट्टी को कहते हैं तराई बांगर और खादर ये तीनों जलोड़ मिट्टी के प्रकार हैं नेक्स्ट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं कयाल क्या है एक प्रकार की लैगून झीलें हैं इन्हीं को अनूप झीलों के नाम से भी जानते हैं पश्चिमी तट पर जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल कहते हैं पश्चिमी तट की लैगून झीलों में सबसे बड़ा केरल का वेम्बनाड झील है केरल की वेम्बनाड झील है पश्चिमी तट की लैगून झीलों में सबसे बड़ी केरल की वेम्बनाड झील है प्रायद्वीपीय पठार कितना क्षेत्रफल है सोलह लाख वर्ग किलोमीटर यह विश्व के प्राचीनतम पठारों में इनकी गिनती होती है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल सोलह लाख वर्ग किलोमीटर है प्यारे साथियों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक दोस्तों के बीच थैंक यू